अस्सलाम वालेकुम, लाइव सुबह में आप सबका बहुत वेलकम है। आज जो मैं आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू चिकन शोरबे वाला, और ये बहुत मज़े का बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं ट्राई करूँगी और आप इसको देखिए और ज़रूर अपने घर में भी बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और शेयर्स मुझे बताते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन, और ये झटपट सा आलू चिकन बनाएंगे हम। मैंने लिया है 1 किलो चिकन, और ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 किलो अभी ऑयल, और 1 दरमियाने साइज का प्याज, उसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 टमाटर। ये मैंने ली है चिकन, और ये तकरीबन 1 किलो चिकन है इस टाइम, और हम करेंगे वॉश कर लेंगे। मैंने बना कर रखी हुई है लहसुन अदरक की पेस्ट, और ये है मेरे टमाटर की पेस्ट। ये भी मैं आपको एक दिन सिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप कैसे फ्री कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे सोते। इसके अंदर है सिर्फ प्याज, टमाटर की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, और जैसे ही थोड़ा सा सोता जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन को और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम चिकन को करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और जैसे ही फ्राई होगा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी इसकी जो हमारा प्याज की पेस्ट। चिकन हो रहा है रोस्ट, और जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट और प्याज की पेस्ट का जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। घंटे में मैं ये ऐड करूँगी, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ बादाम के फूल और बढ़िया इलायची। मैं ऐड करूँगी 1.5 स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। अच्छी तरह से भुनेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर आलू को। ये चिकन हो गया तैयार, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू को जो कि मैंने धोकर काट लिए, और इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छी तरह भून हो गए हैं आलू भी, और अगर आपके आलू मीठे हैं तो आप इसके पानी में थोड़ी देर नमक डाल के रख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, हंसते जरूर जितना आपको चाहिए। और इस पर रख देंगे हम दम पे। अब ये पकेगा और पानी भी थोड़ा सा ड्राई होगा, और जितना सेम में पकेगा उतना कहते हैं मीठा हो, तो ये कहावत है। मीठा नहीं बनेगा ये बनेगी तो हंडिया ही, पर ये कहावत बोली मैं कि सह में पके सो मीठा होवे। अब इसे धीमी आंच पे रखेंगे तो उतना ही लजीज और मीठा मज़े का बनेगा। में ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक, और इसके साथ खाएंगे हम बाजरे की रोटी जो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मंगवाई है मैंने बोतल, और हम पियेंगे इसको खाने के साथ। वैसे सब कोई मानता नहीं है क्योंकि बोतल हड्डियों के लिए सही नहीं होती है, पर मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने मंगवा ली। ये है बोतल, और साथ में हम करेंगे मीठे में केक खाएंगे आज, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मीठा खाने को दिल कर रहा था।